हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर अप्लाई किया था और फॉर स्पेशली द एमए एमएससी एडमिशन एंड इन दी एमएस एंड फिल एडमिशन। सो बाज़ वजूहात की बिना पर ड्यू टू द टफ कंपटीशन उनका मेरिट नहीं बन पाया, तो अब उनके लिए सुनहरी मौका है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो स्प्रिंग एडमिशन जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हैं, उनकी तमाम तफ़सीलात हम आपको बताते हैं। तो रिसेंटली आप किस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमफिल एमएस एंड फॉर मास्टर डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने हमारा ये स्टडी वाला चैनल जो है एजुकेशन और दूसरी न्यूज़ होती है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए अगर आपने सब्सक्राइब भी किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें। सो पर हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। इस वक्त जो है अगर आप एमफिल एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मुल्तान में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी उन्होंने जो है वो स्प्रिंग एडमिशन का इस बार फिर इनकार की है और उसमें उन्होंने तमाम फील्ड्स जो हैं वो उसमें ये एडमिशन जो हैं वो जारी किए हैं, जिसकी तफसीलात जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मेंशन करेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी तमाम ऐड भी देख सकेंगे और अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स को भी देख सकेंगे और इसके साथ साथ आप अप्लाई का लिंक जो है वो भी मौजूद होगा और आपने उन्हें क्लिक करना है और अप्लाई करना ऑनलाइन होगा और हार्ड कॉपी जो है वो आप सेंड कर सकते हैं उनके जरिए कोरियर और TCS। सो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस से रिलेटेड भी हैं, आर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक प्रॉपर जैसे फॉल एडमिशन होते हैं तो उसी तरह जो है ये एडमिशन्स का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है और बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, क्योंकि इस दफ़ा जितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के और क्योंकि मेरिट की जो सिचुएशन है वो भी बहुत टफ है, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स का मेरिट जो है वो पास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं बना तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी थे। सो डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि एडमिशन जो है मुख्य यूनिवर्सिटीज में आए दिन आते रहते हैं, आप जो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें फॉर एंट्री टेस्ट। सो लास्ट डेट क्या होगी, 18 मार्च आपने अप्लाई करना है मुल्तान बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में। उसका एड जो होगा उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने वहां पे क्लिक करना है और आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकेंगे। और ये तो अप्लाई की डेट के बारे में, अब टेस्ट जो होगा वो 20 मार्च को होगा, फुल फ्लेज फुल फॉर्म टेस्ट कंडक्ट होगा मुल्तान में, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो आपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इससे मुस्तफीद भी होंगे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया फॉर स्पेशली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दैट इज एमफिल एमएस। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस के अंदर जो है उनकी कमेंट्स पूछा है कि बास चैनल्स के ऊपर न्यूज़ चल रही है कि एजुकेटर्स की जॉब जो है वो कब आएंगी और मुख्तलिफ चैनल्स पे जून जुलाई का पूछा जा रहा है, तो हम आपको उसके लिए क्लियर कर दें। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दी ना, तो इसलिए हम भी आपको ऐसी न्यूज़ हम उम्मीद की जा सकती है जो पेशन कोई है ये हम कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से पहले पहले जो है वो ऐड आ जाए होपफुली, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत अहम अहदेदारान जो है वो पहले ही बयान दे